नरसिंहपुर में 3 दिवसीय बारी-बारी प्रतियोगिता का चल रहा आयोजन, खिलाड़ी दिखा रहे अपना हुनर। आपको बता दें कि यह 68वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल महिला पुरुष प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जो कि जन सहयोग से यहां पर चल रही है। आपको बता दें कि नरसिंहपुर में लगातार खेलों का आयोजन किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व ही कबड्डी और क्रिकेट का टूर्नामेंट रखा गया था, जिसके बाद जिला मुख्यालय में अब 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल महिला पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता जन सहयोग से आयोजित की जा रही है, जिसमें संरक्षक क्षेत्रीय विधायक जलम सिंह पटेल हैं, जो कि जिला वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा नगर में खेल प्रेमी समाज से भी लोग भी इस खेल आयोजन को प्रोत्साहन दे रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। यह एक बड़ा अपने आप में अनोखा खेल प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसमें जन सहयोग से किया जा रहा है। शासन की कोई योजना का इसमें लाभ नहीं मिल रहा। आइए देखते हैं पूरी खबर नरसिंहपुर से चंद्रशेखर मालवी के साथ। सर बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारा होम ग्राउंड है और नरसिंहपुर में ये दूसरा आयोजन है वॉलीबॉल का राज्य स्तर में, तो टीम भी बहुत अच्छी है, बाकी आयोजन बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छी है। व्यवस्थाएं तो सर बहुत अच्छी है, नेशनल लेवल की व्यवस्थाएं दी गई हैं। पूजा कैसा महसूस कर रहे हैं नरसिंहपुर में ये कार्यक्रम? अच्छा लगा काफी, यहाँ के मैच में काफी व्यवस्थाएं अच्छी थी, नाश्ता वगैरह सभी, खाना पीना सभी अच्छा था। तो क्या कहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? यही संदेश है कि और भी जो मतलब लड़कियां हैं वो आगे बढ़े, टक्कर दे लड़कों को, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सालों बाद अच्छी व्यवस्था देखने मिली है, खेल बहुत अच्छा हो रहा है, ग्राउंड बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ खेलने का मजा ही कुछ और है। क्या संदेश देना चाहेंगे खेल को लेकर युवाओं को? युवाओं के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम तो चाह रहे हैं ऐसे आयोजन होते रहे, इतना अच्छा आयोजन है, नए लड़के निकल रहे हैं, टीमें अच्छा खेल रही हैं, माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के जो युवा लड़के हैं उनको ये प्रेरणा मिलेगी यहाँ खेलने की, बहुत अच्छा आयोजन। और इस आयोजन के संरक्षक आलम सिंह जी पटेल, तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा जी, एनपी प्रजापति जी और इन सब के ऊपर हमारे जो जिले के संरक्षक हैं माननीय प्रहलाद पटेल जी, इन सभी लोगों ने मेरे से ये कह के रखा है या हमारी टीम से कि नरसिंहपुर को जब जो आयोजन मिले 8-10 दिन का समय भी होगा तो अपन तुरंत तत्काल बहुत अच्छे से करेंगे, व्यवस्थाओं की चिंता मत करना, मैदान तुम्हारा बाकी व्यवस्था मेरी। तो मैं ये साहस रहता है तो मैं शहर से प्रदेश वालों को कभी भी हम ये कह के रखे हैं कि जब प्रदेश में कोई आयोजन नहीं करेगा तो हमें बताना, हम तुरंत कर देंगे। तो प्रदेश हमारी जो कमेटी है उसका सहयोग भी हमें मिलता है और हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे नगर के उत्साही युवा व्यवसायी समाज से भी सभी बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं। शासन से जो कुछ ग्रांट वगैरह पहले मिलती थी वो आजकल बंद है, ये मिलने लगे तो कुछ और हम ठीक ठाक व्यवस्था कर पाएंगे। और जैसे जो अभी इंडोर हॉल की बात हुई, ये मिल जाएगा तो हम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं नरसिंहपुर में करके दिखाएंगे, जो अभी इंडोर ना होने के कारण हमें सीनियर लेवल का चैंपियनशिप मध्य प्रदेश को नहीं मिल पाती है। एक बार ग्वालियर में हुई है, एक दो बार और हुई है, पर उसके अलावा कहीं आयोजन नहीं हो पाए हैं। कितनी टीम यहाँ पर आई हुई हैं अभी हम बात करें, पुरुष या महिला? इसमें 48 टीमें पुरुष वर्ग की हैं और 35 टीमें महिला वर्ग की हैं, तो लगभग 83 टीमें हैं। और जूनियर भी हैं? नहीं, सीनियर एज ग्रुप के सीनियर ही है। हाँ, उनके आवास के लिए जरूर हम शासकीय भवनों का प्रयोग करते हैं, कुछ निजी छात्रावास उनमें भी लिया है, कुछ होटल भी हैं। इन लोगों के सहयोग से आज इन खेलों को हम जिंदा रखे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, शासन के द्वारा इन टूर्नामेंटों को कोई अनुदान नहीं दिया जाता। दूसरा, जो हमारे खेल संघ ने, खेल संघों को एक पैसे का अनुदान शासन के द्वारा नहीं दिया जाता, केवल ट्रैक सूट दिए जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होती है, वो ट्रैक सूट 3 टीमों को दिए जाते हैं। और जो हम लोग टिकट खरीदते हैं और इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके उधार मांग कर टिकट खरीदते हैं, उसका रीएम्बर्समेंट जरूर शासन करता है, जो हमारी नेशनल टीमें जाती हैं उसका रीएम्बर्समेंट करता है, लेकिन वो भी 4-6-8 महीने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने पर करता है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा, आलोचना नहीं है, मेरा निवेदन रहेगा, अगर आप मध्य प्रदेश में खेलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को आपको मजबूत करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मजबूत करना पड़ेगा। क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश में क्या भविष्य नज़र आ रहा है आपको खेल को लेकर? आज की स्थिति में साहब शासन की तरफ से तो बिल्कुल कोई भविष्य जीरो है, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, एकदम जीरो है शासन के द्वारा जो किया जा रहा है। लेकिन खिलाड़ियों में दम है तो खेल रहे हैं, अपने दम पे खेल रहे हैं। आजकल सारे गेम आप लोग भी जानते हैं, आप तो मीडिया जगत से, आपको पता है सारे गेम प्रोफेशनल हो चुके हैं। क्रिकेट वगैरह में देखिए आप कितना पैसा मिलता है, IPL, कहीं हॉकी का भी चलने लगा है, कबड्डी का भी होने लगा है,
तो खेल केवल खिलाड़ी इसलिए खेल रहे हैं कि उनको कुछ सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। शासन की तरफ से अगर मैं केवल मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में आज ये आपके नौकरियों के नाम पर जीरो। आप लोग भी पुराने होंगे, आप जानते होंगे, पहले पुलिस में, रेलवे में और दूसरे डिपार्टमेंटों में शासन के द्वारा भर्ती की जाती थी। आज ये स्थिति है, एक खिलाड़ी को भर्ती नहीं करती। खिलाड़ी बेरोजगार रहेगा तो पहले अपने पेट की तरफ देखेगा कि खेल की तरफ देखेगा। शासन को इसमें पहल करना चाहिए और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को नौकरी दी।